5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। आज के तारीख में 5 लाख के 5 लाख विद्यार्थी को यह सोचने या रात को सपना देखने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि कौन कहां क्लिक करेगा कि हम तो PSI बनने जा ही रहे। जैसे ही फिजिकल टेस्ट शुरू होगा और दौड़ में जो जो प्रत्याशी बाहर होता जाएगा तो उनका सपना टूटता जाएगा, और जो उसमें पास हो जाएंगे उनको उसके बाद भी रात को सपना देखने का अधिकार है कि मैं तो PSI हो ही रहा। मेरा अपना अनुमान कहता है कि 40 से 50 हजार लड़के ला ही नहीं पाएंगे, 40% बाहर हो जाएंगे, और 40 से 50 हजार लड़के ऐसे होंगे जो GS में नहीं ला पाएंगे 40%। तो 80 हजार तो यहीं खत्म हो गया, यही 25-20 हजार के लायक है, और ये हम माप रहे हैं 1.5 लाख से। अगर 1.5 लाख लोग क्वालिफाई किया तो अब आपको लगेगा कभी भी 70 हजार है, नहीं, 40 हजार लड़के ऐसे होंगे जो ना तो ग्रुप पार्ट ए में ला पाएंगे 40%, ना पार्ट बी में ला पाएंगे। ऐसा तो लड़का होगा जो गणितों में फेल करेगा, GS में भी फेल करेगा। यहां ये क्या हुआ कि ये गणित फेल किया है, GS पास किया है, ये GS फेल किया है, गणित पास किया है, नहीं, जो दोनों में फेल किया है, वेन डायग्राम का सवाल ये भी होगा। तो 1.5 लाख के पैरामीटर पर ये 1,20,000 जो है ये ऐसा होगा, इसलिए हम कह रहे हैं 30,000 रिजल्ट आएगा। और अगर आप 1 लाख पर लीजिएगा तो ये 25, 25 और 25 होगा, यानी 75,000, यानी 25,000 लड़के जो हैं कि कॉपी चेक होगी। गुजरात में GPSC, UPSC, CCA, ग्रुप ए बी, PSI, कांस्टेबल, तमाम प्रकार के स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का हाथ जोड़कर नमस्कार। दोस्तों, आज से लगभग 3-4 दिन पहले से मैंने CCE परीक्षा के कट ऑफ और ग्रुप ए बी के सिलेबस को लेकर के अपने विश्वास लर्निंग YouTube पर चर्चा किया था। उसके बाद मेरे पास कई छात्रों का फ़ोन आया कि सर, आपका जो एनालिसिस होता है वो हट कर होता है बाकी जगहों से, तो प्लीज़ आप एक PSI और एक कांस्टेबल के लिए जो है एक वीडियो बनाइए। तो मैं अपने विद्यार्थियों का मान रखते हुए आज PSI पर एक वीडियो बना रहा हूं और कल मैं कांस्टेबल पर बनाऊंगा। तो पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि PSI बनना आसान है या भारी, तो दोनों ही जवाब है, क्योंकि पहले तैयारी करते की शुरुआत करते समय सबसे पहले आपको उसके एग्जाम प्रोसेस से लेकर के परिणाम तक की जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं एकदम शुरुआत से लेकर के परिणाम तक की आपको जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना है कि PSI परीक्षा जो है ये 2 भागों में विभाजित है। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, जो सबसे पहला है वो है फिजिकल टेस्ट। अभी मैं आऊंगा उसमें क्या क्या है, और ये जो है क्वालिफाइंग है। लेकिन अगर हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाए तो हम तो फिर अब अगला कब PSI आएगा, तब तक के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए ये भले ही क्वालिफाइंग है, लेकिन हमें सबसे पहले यही मानना है कि इसमें क्वालिफाई कर ही जाना है। अब जाकर के है दूसरा मुख्य परीक्षा,
जो हमारे मेरिट को तय करेगा। तो अगर देखा जाए तो पीएसआई परीक्षा के लिए जितना जरूरी, इस बार एकदम बराबर जैसा कर दिया, जितना जरूरी फिजिकल टेस्ट है, क्योंकि बिना क्वालिफाई किए आप ये मुख्य परीक्षा नहीं दे सकते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए मुख्य परीक्षा है। अब दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ें कि अगर हमारे लिए फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग है दौड़, तो यहां 30 है, तो हमें क्या करना होगा। तो पुरुष वर्ग के लिए 5000 मीटर की दौड़ है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट के अंदर दौड़ना है। महिला वर्ग के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, 9 मिनट में दौड़ना है। और एक्स सर्विसमैन 2400 मीटर 12.5 मिनट में जो है दौड़ेंगे। तो आपका पहला आयोजन यही होना चाहिए कि आप जिस वर्ग में हैं उस वर्ग के हिसाब से आप इस दौड़ को पूरा करें। आप देखिएगा कि इंस्टीट्यूट वाले लोग मना एकदम हद कर देते हैं। आप फिजिकल दौड़ के लिए फिजिकल ट्यूटर की नियुक्ति, अरे ये कोई पढ़ाई का चीज है, लड़का अपने से कर सकता है। मैं आपको यहीं एक सलाह देता हूं, करके देखिए कि आप इसको दौड़ जाते हैं कि नहीं। सबसे पहले 5000 मीटर की अगर हमारी दौड़ है, या हमारे महिला वर्ग में बच्चियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, तो सबसे पहले घड़ी देख करके अभी दौड़ना बंद करिए। अभी पहले आप ऐसे करके दौड़िए और जितना दौड़ना है उसका डबल दौड़िए। पहले स्टेमिना होना चाहिए। और कई लोग इसमें क्या करते हैं कि चले जाते हैं जिम और वहां ऐसे ऐसे करते हैं, इन्हें करना है, वो अपने चक्र चल रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको पहले जितना मीटर का दौड़ है एकदम धीरे 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 आपको जो है उतना दौड़ना पड़ेगा। कई लोग देखिएगा कि उनका ये पिछला भाग जो है वही थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, क्रैक कर जाता है। तो उसके लिए हम करवाए हैं, जब गुजरात में 2008 या 9 में आया था पीएसआई का तैयारी, पीएसआई का फॉर्म, तो हम फिजिकल कराने स्वयं जाते थे गुजरात कॉलेज जो है अहमदाबाद में, वो ग्राउंड भाड़े पर लेकर के। और उस बैच के तो अब लगभग लोग पीआई हो गए हैं, तो हम पहले वहाँ उनको रोज, उस समय तो बहुत सारे इवेंट थे, हाई जंप वगैरह सब था, हम पहले उनको रोज जो है, आपको बताएं कि दौड़ के बाद या दौड़ के पहले स्प्रिंट मरवाते थे उल्टा। ये मजबूत करना है तो आपको ऐसे दौड़ने का जो है प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप ये ऐसे दौड़ेंगे, देखिए आपका जो ये पैर है उसका पीछे वाला गुदा, वो जो है उस पर भार पड़ता है। तो हम वहाँ स्टेडियम बना हुआ है गुजरात कॉलेज में, वहाँ एक बार लड़के को ऐसे चढ़वाते थे और उल्टा उतरवाते थे, यानी एक बार वो सीढ़ी पर ऐसे करके चढ़ता था और फिर सीढ़ी पर पीछे ऐसे करके उतरता था। तो चलिए, फिजिकल में जितना हम एक स्टूडियो से आपको बता सकते थे बता दिए। आज भी 52 साल के उम्र में हम आपके सामने देख लीजिए कि कितना किए कसरत, लेकिन हमको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये स्टेमिना की सबका बात है, गांव के है ना, मेरी पढ़ाई उढ़ाई सब गांव में हुई है। अब आइए जहां से कि दिमाग का काम शुरू होता है, मुख्य परीक्षा। जब आप ये मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो एक पेपर सामान्य अध्ययन का आएगा, 200 गुण होंगे और समय मिलेगा 3 कलाक। और एक पेपर गुजराती और अंग्रेजी भाषा कौशल का होगा, 200 मार्क का, 3 कलाक।
लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि सामान्य अध्ययन मल्टीपल चॉइस होगा और गुजराती और अंग्रेजी भाषा विवरणात्मक होगा। मैं यहाँ दोस्तों क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ और मैंने हमेशा एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर राजनीति को मिक्स नहीं किया है, लेकिन यहाँ हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जिस समय गुजरात में जो वो पेपर फूटने वाली घटना हुई थी और कई सारे पेपर लीक हुए थे, तो मैं उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जी से एक अपील किया था और मैंने बताया था कि पेपर को जो फोड़ रहा है उसको यदि रोकना है तो उसके दो ही उपाय, एक या तो परीक्षा का चरण बढ़ा दीजिए, यानी भले न दो बार पीटी लीजिए लेकिन प्रीलिम्स एमसीक्यू, लेकिन एक एमसीक्यू के बाद फिर एक एमसीक्यू लीजिए, एक व्यक्ति के द्वारा दो बार पेपर को सेट करना और उस पर जो है अमल कर पाना संभव नहीं होता है, और अगर चरण नहीं बढ़ाए तो एक काम करिए प्री के बाद मेंस कर दीजिए। आज देखिए ग्रुप ए में भी वही हुआ सीसी में, और ग्रुप बी में भी वही हुआ कि यहाँ एक जगह स्टेज बढ़ा एक जगह पेपर का स्टाइल बढ़ा, और आज पीएसआई में भी देख लीजिए स्टेज भी बढ़ा और ये विवरणात्मक होगा। हम लोग दोस्तों आज से नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है, मैं पिछले 24 साल से आईएएस और जीपीएससी के लड़के को पीएसआई के लड़के को सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेरे 24 साल के कैरियर में मैंने 13 साल दिल्ली में पढ़ाया और 22 साल से मैं गुजरात में पढ़ा रहा हूं 2003 से। ऐसा कोई परीक्षा ही नहीं गया है गुजरात का जिसमें विश्वास और मेरे मार्गदर्शन के मतलब विश्वास कोचिंग और मेरे मार्गदर्शन के लड़के या तो टॉप 10 में नहीं आए हों या बड़ी संख्या में पास नहीं किए हों, और मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो उस लड़के के अंदर कैलिबर था इसलिए पास किया। तो हमको ध्यान यही रखना है कि देखिए एक एमसीक्यू है और एक विवरणात्मक। अब हमारा जो एमसीक्यू है यानी ये दोस्तों हमारा जो एमसीक्यू है ये वाला एक, इस एक को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है पेपर वन का पार्ट ए, वो जो पेपर वन था उसका पार्ट ए, और दूसरा है उसी पेपर वन का पार्ट बी। अब देखिए पार्ट ए के अंदर रीजनिंग अने डेटा इंटरप्रिटेशन और संख्यात्मक अभियोगिता, 50 प्रश्न रीजनिंग अने डेटा इंटरप्रिटेशन से 50 मार्क का और संख्यात्मक अभियोगिता में 50 क्वेश्चन 50 मार्क का, टोटल 100 मार्क का। दोस्तों नीचे जो लिखा है यही खतरनाक चीज है, और मैं आपको बताऊं कि अभी देखिएगा मैं आपको जोड़कर दिखाऊंगा कि 5 लाख लड़के जो पीएसआई में फॉर्म भरे हैं 4,99,000, तो इनमें से पेपर टू का कॉपी कितने का चेक करने के मूड में है, जीएसएसबी पेपर कैसा निकालेगा, क्या कह रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड 40%, यानी इसमें 40% मार्क आपको लाना ही पड़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25, ई ऑप्शन रहेगा उसको रंग दीजिएगा तो नेगेटिव नहीं होगा। अब आइए, अब जो हमारा एमसीक्यू पार्ट बी है उसमें पहला है भारत नु बंधारण ने जाहिर बहिवट, 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, इतिहास भूगोल सांस्कृतिक वारसो 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, सांप्रत प्रवाह अने सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, और पर्यावरण विज्ञान टेक्नोलॉजी अर्थतंत्र 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, यानी 100 मार्क का जो है ये, यानी
इसमें भी आपको क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड 40% लाना होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है और ई ऑप्शन है। जब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, तभी जा करके आपकी ये कॉपी चेक होगी। पेपर टू, पेपर टू में दो पार्ट है। पार्ट एक गुजराती भाषा कौशल 100 मार्क में 70 मार्क यानी गुजराती का वेटेज ज्यादा है। निबंध है 30 मार्क, संक्षिप्तीकरण है 10 मार्क, गद्य समीक्षा है 10 मार्क, अहवाल लेखन है 10 मार्क, पत्र लेखन है 10 मार्क और अंग्रेजी है 30 मार्क, प्रेसी राइटिंग 10 मार्क, कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क और ट्रांसलेशन फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश 10 मार्क। दोस्तों ये तो हर कोई बता देगा। अब असली ये जो नीचे लिखा हुआ है जरा इसको पढ़िए और उसके बाद जरा सा आप अंदाज करिए, मैं बताना शुरू करूंगा कि कैसे कैसे कॉपी चेक हो सकता है। कहता है द पेपर वन ऑफ मेंस एग्जाम शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी जो आप अभी देखे पेपर वन जिसमें कि मैथ रीजनिंग था पार्ट ए में, और पेपर का पार्ट बी जिसमें कि आपने देखा कि जनरल स्टडीज के कई पेपर थे, वो होंगे एमसीक्यू, और पेपर टू शैल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप। ये चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद कहता है द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर पेपर वन जनरल स्टडीज एमसीक्यू शैल बी मिनिमम 40% मार्क्स इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो अभी सिलेबस देखे जिसमें कि आप ऊपर देखे मैथ रीजनिंग 100 मार्क का, और उसके नीचे जो आप देखे कि 100 मार्क का आपका जीएस था, तो यानी 40-40 मार्क दोनों में अलग अलग लाना होगा मिनिमम। नहीं तो क्या होता, अगर 40% ऐसा नहीं लिखा होता तो क्या माना जाता कि 200 में 80 मार्क लाना है। तब पता चला कि कोई लड़का 50 मार्क मैथ रीजनिंग में ला दिया तो जीएस में 30 ही लाएगा तो भी हो जाएगा, या कोई लड़का अगर 50 मार्क जो है जीएस में अगर किसी का मजबूत है ले आया तो मैथ रीजनिंग में 30 भी लाता, अगर उसका कमजोर होता तो हो जाता। यहाँ दोनों में मिनिमम 40-40% यानी 40 मार्क लाना है। तब पहले तो क्वालिफाइंग होने की प्रक्रिया बहुत खतरनाक है दोस्तों। एक लड़का 50 नंबर ले आया रीजनिंग में और 30 नंबर लाया जीएस में, डिसक्वालीफाई। एक लड़का 42 नंबर लाया जीएस में, 38 नंबर लाया मैथ रीजनिंग में, डिसक्वालीफाई। इतने प्रोसेस इसमें हैं डिसक्वालिफिकेशन के कि वहीं पर एक लड़का 40-40 दोनों में ला दिया क्वालीफाई। आप एक पेपर में 50 लाए, दूसरे पेपर में 35 लाए, आपका 85 मार्क हो रहा था, फेल हो गए, डिसक्वालीफाई हो गए, और एक लड़का दोनों में 40-40 ला दिया, वो क्वालीफाई हो गया। तो आपको जो है ये तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद दी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर पेपर टू गुजराती एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डिस्क्रिप्टिव सेल भी मिनिमम 40 मार्क। अब इसमें नहीं कह रहा है कि गुजराती में अलग 40% और अंग्रेजी में अलग 40%, यानी यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि 70 मार्क का गुजराती है तो 70 मार्क का यहां 28 और यहां 12 नहीं लाना है। यहां है दोनों मिला करके आपको 40% लाना है। इसका मतलब कि अगर हमारा अंग्रेजी कमजोर है सिलेक्शन में हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन हम डिसक्वालीफाई नहीं होंगे। अगर हमारा अंग्रेजी कमजोर है और गुजराती हमारा बहुत अच्छा है, अगर हम मान लीजिए गुजराती में 70 मार्क में से हम अगर 35 खींच लिए तो जरा देख लीजिए कि इस 30 नंबर में 5 नंबर भी अंग्रेजी में अगर आएगा तो क्वालिफाई तो हम कर ही जाएंगे। तो इधर से क्वालिफाई करना आसान है दोस्तों, पार्ट ए से क्वालिफाई करना कठिन है। और जब आप इस चीज को ध्यान देते हैं, देखिए
क्या कह रहा है, द इवेल्युएशन ऑफ पेपर टू गुजराती एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल शैल बी मेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु स्कोर मिनिमम 40% ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट ए एंड बी ऑफ पेपर वन। यानी ये बार बार कह रहा है कि आपकी अंग्रेजी और गुजराती की कॉपी तभी चेक होगी जब आप जो है पेपर वन के रीजनिंग मैथ में भी 40% लाएंगे और जीएस में भी 40% लाएंगे। अब जरा दोस्तों देखिए कि इसका परिणाम क्या होगा। 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, आज के तारीख में 5 लाख के 5 लाख विद्यार्थी को यह सोचने या रात को सपना देखने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि कौन कहां क्लिक करेगा कि हम तो पीएसआई बनने जा ही रहे। जैसे ही फिजिकल टेस्ट शुरू होगा और दौड़ में जो जो प्रत्याशी बाहर होता जाएगा तो उनका सपना टूटता जाएगा और जो उसमें पास हो जाएंगे उनको उसके बाद भी रात को सपना देखने का अधिकार है कि मैं तो पीएसआई हो ही रहा। तो फिजिकल इफिशियंसी के बारे में कहा जाता है कि 30% को पार करते करते कठिन हो जाता है दौड़ में, जितना लोग फॉर्म भरता है। और दौड़ भी कोई 1600 मीटर हो तो आदमी थोड़ा ताकत लगा के दौड़ भी जाए पुरुष में, या महिला में 800 मीटर हो तो दौड़ भी जाए, 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि अधिकतम 1.5 लाख विद्यार्थी जो है वो इसको क्वालिफाई कर पाएगा फिजिकल में, 2.5 लाख विद्यार्थी जो है वो फिजिकल में पार कर ही नहीं पाएगा। लाख भी हो सकता है क्योंकि वो दौड़ है, कारण समझिए वो शरीर है, वो किताब नहीं है ना कि पढ़ के जो है हम कर जाएं। फिजिकल में कोई लड़का नहीं कर पाता है तो हम कभी उसको डांटते नहीं हैं अपने क्लास में, जानते हैं शारीरिक चीज है। तो अब ये मानकर चलिए कि फॉर्म भले ही कितने लोग भरे हों लेकिन अगर फिजिकल पहले कर दिया है और हम दौड़ कर देख लें कि हम उस फिजिकल में पास कर पा रहे हैं कि नहीं, तो हमारा कंपटीटर 1 से 1.5 लाख लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम कहने को 2 पेपर दे रहे हैं लेकिन हम परीक्षा 3 दे रहे हैं, पार्ट ए पार्ट बी, और ऐसे तो दे रहे हैं परीक्षा 4, लेकिन इसमें क्या है कि पेपर 2 में दोनों मिला के मेरिट बनने वाला है। तो चलिए इसको भी 2 भाग में ऐसे बांट देते हैं, गुजराती और इंग्लिश। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, जरा ये सोचिए, इस डिस्क्रिप्टिव कॉपी को चेक करने के लिए वो जो यहां लिखा गया है, तो हसमुख पटेल साहब इतने साल नौकरी किए हैं, एक शिक्षित व्यक्ति हैं, तो उनको पता होगा कि हमको पेपर इस लेवल का बनाना है कि किसी भी हाल में 25,000 से ज्यादा कॉपी चेक नहीं करना पड़े, हम पेपर का लेवल ऐसा बनाएं। क्यों? क्योंकि ये मेंस है, मैनुअली चेक होगा, कंप्यूटर से नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि 1 लाख में 20 से 25 हजार को ही यहां से पार करने दिया जाएगा, और इसीलिए रखा गया है कि मैथ रीजनिंग में 40% लाना होगा और जनरल स्टडीज में अलग से 40% लाना होगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि इस 1 लाख में से दोस्तों मेरा अपना अनुमान कहता है कि 40 से 50 हजार लड़के ला ही नहीं पाएंगे 40%, बाहर हो जाएंगे। और 40 से 50 हजार लड़के ऐसे होंगे जो जीएस में नहीं ला पाएंगे 40%,
तो 80,000 तो यहीं खत्म हो गया, यही 25-20,000 के लायक है, और ये हम माप रहे हैं 1.5 लाख से, अगर 1.5 लाख लोग क्वालिफाई किया। तो अब आपको लगेगा कभी भी 70,000 है, नहीं, 40,000 लड़के ऐसे होंगे जो ना तो ग्रुप पार्ट ए में ला पाएंगे 40%, ना पार्ट बी में ला पाएंगे। ऐसा तो लड़का होगा जो गणितों में फेल करेगा, जीएस में भी फेल करेगा। यहाँ ये क्या हुआ कि ये गणित फेल किया है, जीएस पास किया है, ये जीएस फेल किया है, गणित पास किया, नहीं, जो दोनों में फेल किया है, वेन डायग्राम का सवाल ये भी होगा। तो 1.5 लाख के पैरामीटर पर ये 1,20,000 जो है ये ऐसा होगा, इसलिए हम कह रहे हैं 30,000 रिजल्ट आएगा। और अगर आप 1 लाख पर लीजिएगा तो ये 25-25 और 25 होगा, यानी 75,000, यानी 25,000 लड़के जो हैं कि कॉपी चेक होगी। अब जरा सा खेला देखिए दोस्तों कि 25,000 लड़कों में ऐसे लड़के हैं जिनकी की पेपर 2 की कॉपी चेक होगी। अब पेपर 2 में 40% कितना लोग लाता है, ये तो आ गया इधर कॉपी चेक होने वाला। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसकी तैयारी ठीक नहीं होगी, यानी कि कम से कम 15,000 लड़के ऐसे होंगे जो पेपर 2 में 40% नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसको हो सकता है उस तरह के तैयारी की कमी रही हो, या वो ऐसे कोचिंग में चला गया जहां केवल और केवल गुजराती में बढ़िया बढ़िया स्लोगन सुनाया गया YouTube पे, जिसको देख के बेचारा आ गया। तो कुल मिलाकर के बचे 10,000 लड़के जो पेपर 1 भी क्वालिफाई और पेपर 2 भी क्वालिफाई। अब इन 10,000 में PSI का जितना सीट है उतना जो है आप लाते हैं, उसके अंदर कैटेगरी वाइज, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज एक अंदाज में बता देते हैं कि पार्ट ए में मैथ और रीजनिंग वाले में एटलीस्ट जो है पार्ट ए में, सॉरी, 50 लाइएगा सिलेक्शन पाना हो तो। पार्ट बी जो है यह है मैथ रीजनिंग, ध्यान रखिएगा, पार्ट बी में जो है 55 लाइएगा, सिलेक्शन का रेशियो बता रहे हैं। और पेपर 2 जो है उसमें 55 लाना होगा, यानी 110 और 160 मार्क जब आप लाइएगा, बाकी तो पेपर देखने के बाद, तो जाकर के आप PSI के लिए अपना जो है ये कर पाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं अब कल पहले इसी तरह का एनालिसिस एक कांस्टेबल परीक्षा का लेकर आऊँगा, और उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद, जय जय गरबी गुजरात।